नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अगस्त 9 का खास पाठ। नेशनल बुक लवर्स डे यानी राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और कहते भी हैं ना कि एक अच्छी पुस्तक 100 दोस्तों के बराबर होती है। नेशनल बुक लवर्स डे उन सभी बुक लवर्स को समर्पित है जिन्हें पढ़ने का गहरा शौक है। यह उस खुशी, ज्ञान और मनोरंजन का उत्सव मनाने का दिन है जो किताबें हमारे जीवन में लाती हैं। यह दिन उन लोगों को अपने व्यस्त जीवन से अलग साहित्य की दुनिया में डूबने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक सभ्यता में घटनाओं को दर्ज करने का अपना तरीका होता था। 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटेमिया के लोग ईख के पौधे के तने का उपयोग करके मिट्टी की पट्टियों पर निशान बनाते थे। कागज के आविष्कार के पहले किताबें टैबलेट, स्क्रॉल और उत्कीर्ण के रूप में आती थी, लेकिन आज की परिभाषा के अनुसार सबसे पुरानी जीवित संकलित पुस्तक द डायमंड सूत्र है। 20वीं सदी की शुरुआत में हार्डबैक किताबें थी, लेकिन 1937 के बाद से पेपरबैक की लोकप्रियता बढ़ गई। कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण पुस्तकों का डिजिटलीकरण हुआ और 1980 के दशक में सीडी प्रारूप में बेची गई पहली पुस्तक द न्यू ग्लोरियर इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया थी। पुस्तक प्रेमी दिवस उस माध्यम की भी सराहना करता है जिसने समय के साथ साथ अपने महत्व को बरकरार रखा है। पढ़ने के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे रोज किताब पढ़ने से मस्तिष्क का विकास होता है और आपकी समझ बढ़ती है। दूसरा, अगर आप पूरे दिन में रोज 1 घंटा भी किताब पढ़ते हैं तो आपका तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। तीसरा, किताब पढ़ने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चौथा, किताबों का पढ़ना आपके अंतर्मन को सुकून देता है और आपको उम्र के साथ तेज भी बनाता है। पांचवा, किताबों के अध्ययन से हमारे वास्तविक जीवन की शुरुआत होती है। चाहे आप एक शौकीन पाठक हो या अपनी पढ़ने की आदत को फिर से जागृत करना चाहते हो, या आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपके पास किताबों के लिए वक्त ही नहीं है या आप समय नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को नेशनल बुक लवर्स डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ही लोगों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। और अंत में, क्या आप जानते हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस एक ट्रेन डकैती थी जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुई थी। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जमीनी स्तर पर शुरुआत हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।